जो हूँ मैं डिवोर्स हूँ और मैं जॉब ही कर रही थी, कंटिन्यूसली मेरी जॉब ही थी। मेरे साथ एक एक्स्ट्रा वाकया पेश आया। लास्ट टाइम मैं गई ऑफिस में, फ्राइडे का दिन था तो उनका ऑफिस बंद था, उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया और मुझे अकेली बुलाया। मैं मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि कहते हैं कि औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मेरे साथ चलो, तो वो मेरे साथ गई। यकीन करें इंटरव्यू क्या था उसके पीछे, उन्होंने मेन गेट बंद कर दिया और मैं बगैर चप्पलों के वापस आई, नंगे पाँव में वहां से अपनी जान बचा के भागी। उसके बाद मैंने ये सोचा था, अल्लाह अगर तूने हमारे नसीब में रिस्क लिखा है ना तो हम मुझे मिलेगा, मगर मैं ऐसे जॉब नहीं करूंगी। अच्छा, आपके साथ साथ इस फूड कार्ट पर कौन कौन होता है? मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो माशाल्लाह से देखें, तीन छोटी सी फैमिली है और इस तरीके से ये इतनी रोड के मुश्किलात को फेस करते हुए यहाँ पे फूड कार्ट को इन्होंने रन किया है और एक हलाल बिजनेस की तरफ ये जो है गामजन है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। अच्छा, आपके पास मेन्यू में अभी मतलब क्या क्या है अभी और आप क्या क्या फ्यूचर में रखना चाहती हैं इंशाल्लाह? मैं जो है वो बहुत जल्दी आपको ही पहले न्यूज दे देती हूँ कि मेरा इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो स्पेशल आइटम हमारा इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो है कोरियन नूडल्स। कोरियन नूडल्स, बिल्कुल। हमारे जो मेन्यू में जो हमने ये चीज डिसाइड की थी ना, हमने आसपास पूरा विजिट किया था कि कहीं कोई चीज है नहीं, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन्यू की एक भी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अब जो कोरियन नूडल्स हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, उस पर रिसर्च चल रही है अच्छी अच्छी चीजों की, तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी आपको कहीं नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और हमारे चैनल के तवज्जो से भी आपको थोड़ी बहुत बरकत हो। हम यही इसी नियत से यहाँ पर आए थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि यार ज्यादा से ज्यादा इनको प्रमोट करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमाई के बहुत सारे जरिए होते हैं लेकिन एक हलाल जरिया और इस तरीके से काम करके रिस्क कमाना ये एक बहुत फख्र की बात है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी कल्लू चौक पे और यहाँ पे इनके अपोजिट जो एक बेकरी है जिसका नाम है काशिफ एंड जुबेर स्वीट, के अपोजिट आपको एक छोटा फूड कार्ट नजर आएगा जो कि बहुत बड़ा धमाका कर रहा है कुरंगी वालों के लिए। वो धमाका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक रीजनेबल प्राइस में मल्टीपल फूड ऑफर कर रहे हैं और क्वालिटी जो है ना वो बहुत हायर साइड दे रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज विद देसी टच एक फूड कार्ट है जो एक लेडी रन कर रही है, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपके चाइनीज आइटम ट्राई करूँ। और अनफॉर्चुनेटली मैं जो हूँ थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जिसकी वजह से आपके मेन कोर्स मल्टीपल जो है वो फिनिश हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने इतना ज्यादा अपना प्यार दिखाया आपके खानों की वजह से। और सिर्फ दो आइटम मिले हैं, वो दो आइटम क्या आप मुझे दे रही हैं? मैंने आपको मैक्रोनी है और चाउमीन बड़ी मुश्किलों से बचाया है लोगों से, वरना वो भी खत्म हो चुका था। इस सफर का आगाज क्या सोच के आपने किया? मैंने ये सोचा था कि कम पैसों में अच्छी क्वालिटी हो, चाहे मुझे कितनी भी एफर्ट करनी पड़े उसके लिए मैं मुस्तकिल खड़ी रहती हूँ। मैं यकीन करें कि मेरी कोशिश होती है जितना कम बजट हो और अच्छी चीज हो, क्योंकि लोगों ने भी खाया और आप भी खाएंगे तो आपको पता चलेगा। केचप से लेकर और एक सॉल्ट तक ना मैं लोकल यूज नहीं करती, इवन मेरे बच्चे हम खुद भी यही चीजें खाए होते तो हम लोग आपके ऊपर कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते। बिल्कुल, तो ये क्या हर्डल्स आई, ये कितना अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया कि अपने जो खाने वाले उनको बेस्ट क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रही है कुरंगी जैसे लोकल एरियाज में, तो क्या ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे? बस यही चीज थी कि बच्चे खाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। बच्चे नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं, उसमें हमने वेजीज डाली हैं और कुछ स्पाइसेस ऐसे ऐड करें जो बच्चों को भी अच्छे लगे, बड़ों को भी अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात ये नुकसानदेह ना हो। अगर ये रेगुलर भी खाएं, कि मैं कहती हूँ कि आप आके खुद चेक करें, ऑयल सॉल्ट स्पाइसेस केचप ईच एंड एवरीथिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात को फख्र से कह सकती हूँ कि किसी कोई भी चीज आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगी। फाइनली ये मीडियम बॉल जो है हमारा रेडी हो रहा है और इसमें इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सॉस ऐड किया, सॉस के बाद वाइट पेपर, और वाइट पेपर के बाद इनके सीक्रेट मसाला जात हैं जो इसमें ये ऐड कर रही हैं। रेडी, तो फाइनली ये जो है हमें हमारा ऑर्डर मिल चुका है जो कि दिखने में फुली स्पाइसी और
बहुत प्रेजेंटेशन जो है इनकी बेहतरीन है, तो ट्राई करते हैं देन फिर आपको ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं किस तरह का यहाँ का टेस्ट है। यहाँ पर अली और दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बाउल को जो है वो फटाफट संभाल लिया। अली क्या कहना चाहेंगे आप इसके टेस्ट के हवाले से? चाउमीन के लिहाज से बहुत अच्छा है और जैसे मेरी बहन काम कर रही हैं ये बहुत बड़ी बात है, इस मोशरे में ऐसा काम करना ना बहुत बड़ी बात है, और जिस टेस्ट के साथ ये कर रही हैं डिलीशियस मैं तो यही बोलूंगा। सेकंडली टेस्ट के साथ साथ प्राइस के भी इनको कुछ बोले कि प्राइस जो इतने इकोनॉमिकल प्राइस में आपको चीज प्रोवाइड कर रही है। सबसे बड़ी बात यही कि अब इस एरिया के लिहाज से इन्होंने जो प्राइस रखे हुए वो बहुत अच्छे प्राइस हैं, और इस प्राइस में चाइनीज खाना मैं कहता हूँ बाकी किसी एरियाज में इम्पॉसिबल है। इनके पास बहुत ज्यादा रश था और हमें आने में देर हो गई थी, तो उस देर के बावजूद ये आंटी ने हमें जो है वो एक मैक्रोनी का बाउल और एक चाइनीज का बाउल दे दिया था, तो ये ब्लेसिंग है हमारी और इसको टेस्ट करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इससे पहले हमने खाने से पहले कस्टमर फीडबैक लिया, तो यहाँ कस्टमर फीडबैक की बात आई वो हमें बहुत पॉजिटिव मिले थे कि इतना रीजनेबल प्राइस में इतना इकोनॉमिकल चीज मिलना तो ये बहुत बड़ी बात है और कुरंगी जैसे एरिया में। तो अगर इनके टेस्ट की बात करें तो मैं अपना वो एक यूनिक जो मेरा वो है टाइल प्रेजेंट करने का वो यही है कि टेस्ट वाज डिलीशियस, और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि खातून को परेशान किया जा रहा था इस तरह से यहाँ पर बैकग्राउंड बहुत शोर किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी दिखाई जाती है ना वहाँ पे हर्डल्स को फेस करनी पड़ती है। तो मैं अपनी इस बहन को यही कहूँगा कि वो अल्लामा इकबाल का शहर है ना कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर्फ आदम है तू तुम पका है जहाँ, तो आपको अल्लाह पाक ने आदम से पैदा कर दिया तो आपके आगे दुनिया कुछ भी नहीं है कि सारी दुनिया खा के तो सिर्फ आदम है तू और तुम पका है जहाँ। देखें ये वो माँ है जो माँ कहते हैं ना कि अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो ये जब अपने बच्चों को ये चाइनीज आइटम खिला सकती है तो इट्स मीन ये आपकी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि हमारे इंग्रेडिएंट जो है वो वेल क्वालिटी और उसमें हम 0% टॉलरेट करते हैं, और उसका सबूत यहाँ पे कस्टमर फीडबैक जो है वो भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। और अपने इसमें देखने वालों को हमारे कुछ कहना चाहें, मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करती हूँ, अगर 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 आप लोगों को कोई चीज पसंद नहीं आती या कोई चीज मेरी लगती है तो मुझसे कहें, मेरी गलती है ना तो मुझसे कहें, ना कि आप मुझे कहते हैं कि मतलब मैं शौकिया आई हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसके पीछे थोड़ा सा देख लें, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट कर लें, तो शायद आपको फिर ये सवाल करने की मुझे ये लगता है कि जरूरत ना पड़े। तो इसलिए बस थोड़ा सा दुख होता है ये चीज देखकर, जहाँ कुछ लोग साथ दे रहे हैं वहाँ कुछ लोग मुझे बहुत नेगेटिविटी का शिकार भी बना रहे हैं। देखिए वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी, तो अगर हम अपने नबी के देखें तो नबी ने जब इस्लाम का काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे काफ़रीन जो थे उनके भी मुखालिफ थे। आप बहुत बाहिम्मत खातून हैं और आपके काम को देखते हुए और टेस्ट के मैंने आपका चर्चा सुना तो मैं आपके स्टॉल पे आया, और यहाँ पे स्टॉल पे जब कस्टमर फीडबैक लिया तो वो भी बहुत पॉजिटिव था। फाइनली जब चर्चा खा लें और उसके बाद कुछ मीठा ना हो तो मीठे के लिए इनके बराबर में एक और फूड कार्ट लगा हुआ है जिसका नाम है आसिफ स्वीट्स, और आसिफ स्वीट्स पे आपको यहाँ पे गरम गरम चमचम और गुलाब जामुन मिल रहे हैं। सर ये मटका आपने क्यों रखा हुआ है, मटके में क्या दे रहे हैं सर? हैदराबाद की मशहूर रबड़ी होती है, अभी खत्म हो चुकी है, इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। अच्छा जी, तो मैं यही कहूंगा कि चाइनीज विद देसी टच पे आप जब आए चरचरे के बाद मीठा भी जरूर खाएं, मीठे में जो गरम गरम गुलाब जामुन है ना इसका गेम जो है वो अलग ही नजर आता है। तो ये गुलाब जामुन भी हम ट्राई करते हैं और फिर देना आपसे फीडबैक देते हैं कि गुलाब जामुन और रबड़ी तो है ये वैसे ही बहुत यूनिक होती है, और अगर बात करें इसकी तो बेहतरीन इसको चरचरा खाने के बाद आपके जिंदगी में मीठा होना चाहिए, और मीठे के लिए आपके पास हाजिर है, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई किस रेट पे आप गुलाब जामुन? गुलाब जामुन 400 रुपए किलो है, खोए वाले हैं, इसके अंदर गुठली होती है अंदर, बगैर गुठली वाले अच्छे वाले हैं। अच्छा, जो बड़ी दुकान है। और रबड़ी? रबड़ी 300 रुपए का बनता है, ये छोटा वाला 300 रुपए का, ये छोटा वाला मटका है, 1 किलो वाला। 1 किलो वाला कितने का? 1200 रुपए का। 1 किलो वाला 1200 रुपए का है और छोटा वाला 300 रुपए का है, और यहाँ पे कस्टमर जो है वो भी खड़े हैं। जी क्या क्या लेना है? गुलाब जामुन लेना है जी। जी भाई जी, ओए 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 ओए, ये शाहरुख खान वाली जो आदा है ना इस पे तो लोग मरने वाले हैं। कि चरचरे के बाद मीठा ना हो तो उस मीठे पे लड़ाई चल रही है तहसीन की और अली की। जी अली भाई, गरम गुलाब जामुन के बारे में तहसीन भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई नबी की सुन्नत भी मीठा खाने के बाद सही है और मजा ही लगे। और अली जहाँ पे मीठा है गुलाब जामुन हो और सस्ती गुलाब जामुन हो तो भैया गुलाब जामुन खाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो खाएं और टेस्ट बताएं। तुम्हें तो ज्यादा जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों तब खा रहे हैं, आराम खाना रह गया। बाहिम्मत खातून के इनकरेज करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा कि ऐसे लोग जो इन पे तनकीद करते हैं, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, अगर संगे मरमर पे चलोगे तो पिसल जाओगे। तो ये है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका नहीं है और संगे मरमर पे चलना है की कोशिश करते हैं तो इतना एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ का टेस्ट ट्राई किया, एक्सलेंट टेस्ट प्रोवाइड कर रही है बहुत रीजनेबल प्राइस में। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।